ठंड से हाथ पूरे मतलब अकर गए हैं। बाकी कुछ होना हो लेग्स की वर्कआउट हो गई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:24। तो अभी मैं और मेरे कुछ दोस्त निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड में। एक डेस्टिनेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं, लगभग 80 किलोमीटर से मेरे घर से। तो मैं, मेरे साथ है साहिल भाई और जावेद भाई जो कि बात कर रहे हैं अभी। तो हम तीनों और एक दोस्त हैं, हम चार जन जा रहे हैं टू बोको। तो क्यों जा रहे हैं वो आपको जाने के बाद मालूम चलेगा। सो लेट्स गो। हाँ तो भैया, पहुँचे कहाँ पता नहीं, रास्ते के बीच में है और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, थोड़ा लाइट है और ठंड से हाथ पूरे मतलब अकर गए हैं। अभी जाना तो पड़ेगा, सोच लिया एक बार, अभी देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सुंदर लगता है ऐसे देखने से। ठंड ठंड में मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर पैर है नहीं। इट्स 5:44। पैर काम ही नहीं, काम पैर काम ही नहीं कर रहा है, इसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। गाड़ी बोलने से गारा निकलता है। बाकी कुछ होना हो लेग्स की वर्कआउट हो गई, मैं जिम नहीं जाने वाला, हो गया बस, हो गया। तो भैया नो स्मोकिंग एरिया है, तो नो स्मोकिंग नहीं है। यस, नो स्मोकिंग। तो यहाँ स्मोकिंग और प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो साथ में लेके जाइए, यहाँ फेंकिए मत, नेचर को कष्ट मत दीजिए। थैंक यू। नो लाउड म्यूजिक। अरे भाई, ये पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा मिल गया। हाँ भैया, सुबह 3:30 बजे निकले थे और अभी बजे है 6:15। एटलीस्ट पहुँच गए इतनी लंबी राइड के बाद, और वो भी ट्रैक करके इतना ऊपर आके। पर यहाँ आके ऐसा लगा कि जितना भी किया सब वो ठीक था। एक बार देख लीजिए,
यहाँ के लगा था कि हम लोग ही सेवा आए हैं, मतलब इतना सुबह कौन आएगा, पर जब यहाँ पहुँचे तो लगता है पूरा आसाम आके बैठा है यहाँ पे सुबह से। हाँ भैया, आज का कार्यक्रम हो गया ख़त्म, अभी चलते हैं घर। पर घर जाने से पहले कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप एक बार आके देखिए इस जगह पे, बहुत ही सुंदर है। पर दिक्कत यह है कि आना पड़ेगा सुबह, मतलब सनराइज़ होने से पहले, क्योंकि तब आपको जो सीनरी है वो अच्छा मिलेगा। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब कर ही दिया है तो शेयर भी कर दीजिए। और एक बात, गुवाहाटी से लगभग 80 किलोमीटर्स है बुको तक, उसके बाद एक गली आता है उसमें अराउंड आपका 2 या 2.5 किलोमीटर्स होगा अंदर तक आने के लिए, उसके बाद आपको ये जगह मिलेगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस का लिंक दे दूंगा, मोस्ट वेलकम। तो चलते हैं, आज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और पीस।